पूछते हैं कि सुहाग रात में पत्नी हल्दी वाला दूध क्यों पिलाती है, तो उसके पीछे का क्या कारण है, तो उसके बारे में आज बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारी परंपरा है कि फर्स्ट नाइट में दूल्हा जो है वो सजाए हुए कमरे में रहता है, सजा हुआ बेड है, कमरा सजा हुआ है, लोग लाखों रुपया खर्चा करते सजाने के लिए, और फिर दुल्हन एक गिलास दूध लेकर अंदर जाती है। तो दूध अलग अलग तरह से लोग बनाते रहते हैं। एक दूध जो बनाते हैं स्पेशली वो हल्दी वाला दूध है, हल्दी जो है टर्मेरिक। तो हल्दी मतलब वो जो दूध बनाया जाता है स्पेशली, तो उसमें एक चम्मच हल्दी, फिर आधा चम्मच छोटा चम्मच वाला मतलब चाय का चम्मच, आधा चम्मच अदरक की पाउडर, एक चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी, ऐसा करके उसको मिक्स करके थोड़ा सा गुनगुना दूध तैयार किया तो ये दूध बहुत उत्तेजक होता है। क्या होता है कि इस दूध में वैसे सेरोटोनिन है और टर्मेरिक जो है हल्दी उसमें करकुमिन है, और करकुमिन ये फर्टिलिटी के लिए काम का माना जाता है। इट हैज गॉट एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज भी उसको है, और उसके साथ साथ अदरक, फिर शहद और दालचीनी ये मिक्स करके दिया जो मात्रा में मैंने बोला, तो डेफिनेटली ये दोनों को भी मतलब दोनों भी लेते हैं ये दुल्हा और दुल्हन, तो दोनों को भी ये उत्तेजक हो सकता है। ये एपेटाइजर मतलब सेक्सुअल एपेटाइट बढ़ाता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट बढ़ाता है, और इससे फर्स्ट नाइट जो है सुहाग रात वो सक्सेसफुल हो सकती है, इरेक्शन में भी काम में आता है। तो इसके लिए ये रिकमेंडेड है और कामसूत्र में तो इसका उल्लेख किया हुआ ही है। तो हल्दी का दूध विथ दालचीनी, फिर अदरक, शहद, ये सब मिला के यदि देते हैं तो इसका एफ्रोडाइजिक प्रॉपर्टी जो है वो काम में आएंगी और फर्स्ट नाइट सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर फर्स्ट नाइट जिनके आपके दोस्त लोग उनको शेयर करो, ताकि वो बिना प्रॉब्लम का फर्स्ट नाइट एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट नाइट में जिन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं लिया उनको बहुत ही टेंशन वाली, एंग्जाइटी वाली फर्स्ट नाइट होती है, होगा नहीं होगा, जमेगा नहीं जमेगा। और वैसे ही यदि फर्स्ट नाइट मतलब हनीमून की या सुहाग रात जो है वो तुरंत शादी के बाद में तुरंत होती है, दूसरे दिन क्या था कि शादी का माहौल चलता है, दो दिन शादी के सब धार्मिक विधि चालू है, फिर रिसेप्शन है, शादी में धूमधाम चालू है, खाना पीना बहुत हो रहा है, नींद बराबर होती नहीं है, और सब ये होने के बाद में दूसरे दिन फिर पूजा होती है और उसी रात को फिर सुहाग रात होती है। तो एक्चुअली सब थके हुए रहते दोनों भी दूल्हा दुल्हन, और उसमें फिर नहीं जमा तो और टेंशन। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड हरदम करता हूँ कि सुहाग रात ये शादी के दो तीन दिन चार दिन बाद में होनी चाहिए, और उसमें दोनों का एजुकेशन करके होना चाहिए यदि पहले कुछ तजुर्बा नहीं है तो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।